नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, आप मेरे किसान भाई भी हो, मेरे मित्र भी हो, तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे इस चैनल को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो, कमेंट में सवाल जवाब करते हो, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं, कई किसान भाई जो ड्रिप से खेती करते हैं और ये करना चाहते हैं, तो मिट्टी की बेड़ के तो मैंने वीडियो तो पहले भी बना दिया था, परंतु आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई किसान भाई हाथ से खाद फेंकते हैं खेत के अंदर, जैसे डीपी हो गया, पोटास हो गया, सुपरफास्ट हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिक खाद, जैसे ये हमारी महिला सहयोगी खाद फेंक रही है, ये देख लीजिए आप। तो इस तरह से हाथ से खाद फेंकते हैं तो खेत के अंदर क्या होता है कि खाद कई जगह पे ज़्यादा गिर जाता है और कई जगह पे कम गिर जाता है, तो वेस्टेज खाद भी कई रहते हैं। तो ये जो हमारी महिला सहयोगी है, तो इसको तो आपको डेमो देने के लिए खाद फेंक रहे हैं, ऐसे हम खाद डालने का तरीका अलग है। तो अलग तरीका क्या है कि आप खेत के अंदर, एक तरीका तो यह है जो महिला सहयोगी हमारी जो खाद फेंक रही है खेत के अंदर, एक तरीका तो ऐसा होता है, और दूसरा तरीका होता है जो अपन सीड्स बीज ओढ़ते हैं और उस बीजनी से अपन खाद हलों के माध्यम से खेत के अंदर ओढ़ते हैं, तो वो तरीका भी किसान भाई उसके अंदर भी खाद की मात्रा ज़्यादा लगती है और खाद वेस्ट जाता है और ज़मीन के अंदर किसी जगह वो गहराई के अंदर चला जाता है, तो कहीं वो ऊपर रह जाता है, तो वो भी बहुत कम काम करता है। काम तो करता है पर इतना काम नहीं करता है जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे ये जो सामने खड़े हैं, हमारे पायलट साहब है और हमारे मित्र भी है, इनका नाम कालूराम चौधरी है, कालूराम निठारवाल, और राजस्थान जयपुर से हैं और मेरे खास निजी मित्र हैं, और इनके सहयोग से ही मेरे ये काम हो पाता है, क्योंकि खेती मेरी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, तो कभी कभार मैं थक जाता हूँ तो ये मेरे जगह लग जाते हैं। और ये हमारे जो साइड में है, ये कृषि सहयोगी है हमारे, और ये जो ट्रैक्टर देख रहे हो आप, इस ट्रैक्टर के पीछे हमने ये बेड़ डालने की मशीन लगा दी है। अब ये बेड़ डालने की मशीन लगा दी हमने और इसके ऊपर एक फंटा रख दिया है ताकि आदमी आराम से बैठ जाए। तो ये हमारे कृषि सहयोगी है, ये आराम से बैठ गए हैं यहाँ पे, ये आराम से बैठ गया। और ये खाद इस कट्टे के अंदर, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे सुपरफास्ट हो, चाहे सुपरफास्ट खाद हो, चाहे डीएपी हो, चाहे पोटास हो, ऐसे कट्टे में हमने डाल दिया। अब करेंगे क्या, मिट्टी के जो बेड बनेगी उस बेड के अंदर ये खाद डालेंगे। ये तरीका देख लीजिए आप, ये डायरेक्ट ये डायरेक्ट खाद डाल रहे हैं हमारे मिट्टी के बेड के अंदर। आप चाहे तो मुट्ठी के अंदर से लेकर डाल सकते हो, या चाहे का गिलास लेकर डाल सकते हो, धीरे धीरे आप बेड के अंदर खाद डालें। ये ऐसे ये कृषि सहयोगी है, ये खाद डाल रहा है। अब ये खाद क्या है, ये देख लीजिए आप, ये खाद डाल रहा है अंदर, और ये खाद अंदर जाएगा पूरा, ये देख लीजिए, ये खाद डाल रहा है पूरा, धीरे धीरे ये बेड के अंदर खाद जा रहा है, ये देख लीजिए, ये खाद बेड के अंदर डल रहा है पूरा। तो इसी प्रकार से आप खाद डालोगे मेरे किसान भाइयों, तो ये खाद पूरा 100% आपकी मिट्टी की बेड के अंदर जाएगा, और इस बेड के अंदर आप जब भी कोई भी फसल लगाओगे तो पैदावार बहुत अच्छी होगी, पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और
वेस्टेज खाद की खाद नहीं जाएगा, खाद की बचत होगी। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बचत किसान भाइयों के लिए लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो इस तरह से हम खाद डालते हैं, ये ज़्यादा फायदा करता है पेड़ के अंदर, क्योंकि इसी के ऊपर हम पाइप लगा देंगे ड्रिप के, फिर मल्चिंग लगाएंगे, मल्चिंग के अंदर पानी चलेगा और उसी के मल्चिंग के अंदर पौधों पर लगा देंगे हम। जो पोषण है पौधा, वो पोषण आराम से लेता रहेगा। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आप ड्रिप सिस्टम से खेती करना चाहते हो तो इसी तरह से खाद डालें। या कई किसान भाई ड्रिप सिस्टम से खेती कर रहे हैं तो इसी प्रकार से खाद डालें, तो इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो कमेंट्स में मेरे से सवाल जवाब जरूर करें आप। तो ऐसे ही मेरे किसान भाइयों, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी किसान भाई हैं उनके साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और सब्सक्राइब तो आप जरूर करें मेरे किसान भाइयों। अगर आप चाहते हो मैं और भी अलग अलग तरह के मैं वीडियो बनाऊं, और आपके विश्वास से ही मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री रहता है। और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।